यार आज मैंने सोचा था कि बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बारिश। तो यार प्लान तो देखो पूरा था कि बाहर जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन यार आज बारिश ने ऐसे हालात कर दिए कि आज मैं फिर से घर के अंदर बैठ के ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो भैया उस चीज़ के लिए सॉरी। तो भैया आज है 1 मार्च 2019 और ठीक एक साल पहले मतलब 1 मार्च 2018 को मैंने अपने चैनल पे पहली वीडियो डाली थी, जो कि थी 18 सेकंड की। तो वो जो पहली वीडियो थी वो थी ये। अपने चैनल की इंट्रो टाइप मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। तो आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में आप लोगों से सारा सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो भैया सितंबर 2017 में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी बॉर्न टू राइड लक्ष्य भाई की, कि उन्होंने जुपिटर स्कूटी पे ले लद्दाख करा। और यार मैंने भी सोचा कि यार अगर भाई ने जुपिटर पे करा तो क्यों ना प्लेटिना पे ट्राई करके देखा जाए। तो ठीक है भाई, हमने तैयारियां शुरू करी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल गई। फिर भैया फरवरी नहीं निकली, एक सेकंड, फरवरी में मैंने प्लान करा कि मैं चलो यार कुछ करना चाहिए। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई देखो जो लद्दाख की राइड होती है वो प्रोफेशनल राइडर्स करते हैं, पहले ऐसा मेरा मानना था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना पहले मैं चेक करूँ कि राइडिंग मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपने को 3 चैलेंज दिए, जो कि थे 500 किलोमीटर इन 1 डे, 800 किलोमीटर इन 1 डे और 1000 किलोमीटर इन 1 डे। तो मैंने सोचा कि मैं ये तीनों राइड करूँगा, अगर मैं इन तीनों राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो ही मैं लद्दाख जाऊँगा, अगर इनमें से मैं एक में भी अनसक्सेसफुल रह जाता हूँ तो मैं लद्दाख राइड नहीं करूँगा। तो भाई मैंने ये सोचा और 26 फरवरी 2018 को मैंने अपना चैनल क्रिएट कर दिया। ठीक है, वीडियो क्रिएट करने के बाद मैंने चैनल क्रिएट करने के बाद मैंने सोचा कि भाई चैनल तो बन गया है, वीडियो तो फ़ोन से बना लेगा, एडिट किस में करेगा, वो सबसे बड़ा सवाल था यार मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। पीछे वो अपना 2010 का कंप्यूटर है और आप लोगों को पता ही है वो भाई साहब 2-2 मिनट में हैंग हो जाता है, तो उसकी तो कोई बस की है नहीं उसका कुछ। तो भैया फिर मैंने सोचा यार एडिटिंग के लिए यार क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन में एडिटिंग शुरू की जाए। तो यार हमने कुछ देखे एक आधे ऐप, हमें लगा भैया चलो इनमें हो जाइए अच्छी। तो भैया हमने फिर हमारा एडिटिंग का मतलब जुगाड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं निकला 28 फरवरी 2018 को अपनी 500 किलोमीटर की राइड पे, जो कि मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। और उस राइड में मैं गया था चंडीगढ़ अपने दोस्त अमन से मिलने के लिए। ठीक है भाई, हम अमन से मिल के आए, 500 किलोमीटर राइड कंप्लीट हो गई। वीडियो फिर मैंने वो वाली अपलोड करी थी 3 मार्च 2018 को। वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले कमेंट आने शुरू हुए कि भाई तू चंडीगढ़ गया क्यों, कि मतलब उस वीडियो में मैंने क्या करा था कि मैं रोहतक से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ दोस्त से मिल गया और वापस आ गया। तो मतलब मैं कहीं कुछ घूमा रही और सिर्फ मैंने वीडियो बना के डाल दी। ठीक है, तो भैया फिर हमने करी 800 किलोमीटर की राइड, जो कि मैंने करी थी यहाँ से गंगानगर। तो भैया वहीं राइड में करके आया, मैं गया गंगानगर तक, वहाँ पर मेरे 400 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, मैं वापस आया, घर आने तक वो कंप्लीट हो गए 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर की राइड जब मैंने अपनी अपलोड कर दी, तब मैं जैसे यूनिवर्सिटी तो जाता ही आप लोगों को पता ही है। तो भैया जब मैं वहाँ गया तब कुछ थे अपने दोस्त, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू करा कि भाई तू अगली राइड पे अपनी प्लेटिना को हरिद्वार लेके जाना। मैं कहता भाई क्यों, कहता कि तू रास्ते में से लेके जाएगा उसके कहीं बेचारी की मौत हो जाएगी और तू उसकी ऐसे अस्थि आबादी गंगा में। भाई यार ये तो कमाल हो गया। फिर और कुछ दोस्त थे वो कहते थे कि भाई तू यार साउथ में जा, ऐसे ना सारे एक्टरों से मिल गया, मतलब एक होता ना एक बेइज्जती वाला मजाक थोड़ा कुछ वो वैसा करते थे भाई अपने साथ, तो बड़ा ख़राब लगता था। लेकिन मैं यार कोई नहीं यार बोलने दो, कोई नहीं कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद यार मैंने करी 1000 किलोमीटर की राइड, जो की थी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आगरा और आगरा से जयपुर तक। फिर मेरा मतलब वहीं बीच में 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने वहीं से यू टर्न लिया और वापस घर, और 1000 किलोमीटर वहाँ कंप्लीट हो गए। वो तीनों राइड करने के बाद मुझे खुद पर विश्वास हुआ कि हाँ भाई अब हम लद्दाख राइड कर सकते हैं। फिर भैया हमने लद्दाख राइड की प्लानिंग शुरू कर दी, और मैंने सोचा कि भाई अपने साथ एक मैसेज कैरी करते हैं, जो कि मैंने करा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अपनी तरफ से एक तीसरी लाइन जुड़ी थी और उनके सपनों को उड़ान दो। तो वो मैसेज कैरी करके मैं गया लद्दाख। ठीक है भाई, हमने लद्दाख अच्छे से कंप्लीट किया सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई। और आई नो आप लोगों ने ऑलरेडी वो ब्लॉग्स देख लिए होंगे लद्दाख वाले। ठीक है भाई, अब हम लद्दाख से आए। जैसे ही मैंने अपनी पहली वीडियो डाली डे 1 की, जो कि थी रोहतक टू जम्मू, वो वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन 26 में चली गई, जो कि मतलब मैं अभी भरोसा नहीं करता कि यार मतलब मेरी वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में गई थी, लेकिन वो गई थी ट्रेंडिंग सेक्शन 26 में होती वो।
और वो वीडियो ने भाई मतलब तहलका मचा दिया और मेरे अगले ही दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, जो कि मेरे लिए मतलब यार अनबिलीवेबल था बिल्कुल यार। मैं यार हो कैसे गया ये? फिर मैंने यार जल्दी से अपने कंप्यूटर में खोल के देखा, वहाँ भी इसमें भी 10,000 दिखा रहा है। फिर मैंने अपने फ़ोन में देखा, उसमें भी 10,000 दिखा रहा है। फिर अपने दीदी का लैपटॉप मैंने खोल के देखा, उसमें भी 10,000 सब्सक्राइबर दिखा रहा है। तब मुझे जाके यकीन हुआ कि भाई ये तो सच में ही 10,000 कंप्लीट हो गए, और मेरी खुशी का उस टाइम कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद यार मैंने मतलब पीछे मुड़ना मतलब इसके कहते ना क्या, पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो वाला अपने साथ कुछ सीन हुआ। उसके बाद मैंने देखा कौन क्या बोल रहा है, बस मैं अपना आगे चलता रहा। और लद्दाख राइड से पहले भी बहुत सारे लोग थे जो कमेंट करते थे कि भाई तू तो कॉपी है, तो पता नहीं इसको कॉपी करता है, उसको कॉपी करता है, तू बेकार है, प्लेटिना चलाता है, तुझे शर्म नहीं आती, अरे अरे बहुत कमेंट थे, जिन्हें पढ़ के मैं हमेशा डीमोटिवेट हो जाता था कि मैं यार तू क्या कर रहा है फालतू में गौरव, मतलब ऐसा बहुत सोचता था यार मैं। फिर मैं बस करता रहा लद्दाख राइड के बाद उन्हीं लोगों ने कमेंट करा कि भाई तूने बहुत अच्छा करा, तू लद्दाख करके आ गया, ये है वो है। और अभी जैसे एडिटिंग अपनी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही, तो वहीं लोग कर, मतलब नाम याद है मुझे उनके, क्योंकि भाई वो लोग ऐसा कमेंट करते थे, लेकिन अब वहीं लोग ऐसे अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये कि भाई हमने देखो शुरुआत करी, बहुत ख़राब करी, बहुत ख़राब वीडियो बनाता था। इवन जब मैंने चैनल शुरू करा था तब मेरे पास ही Redmi Note 3 था, जिसका कैमरा आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत बेकार है, लेकिन मैंने इसे शुरू करा था जब मेरी 5 किलोमीटर की राइड थी, 800 किलोमीटर की राइड थी, और उसके बीच में जो भी छोटी मोटी राइड थी वो सभी मैंने इस फ़ोन से बनाई थी। कैसे? एक हेलमेट था, हेलमेट के आगे से फ़ोन लगाता था मैं, सेल्फी स्टिक का होल्डर तोड़ के मैंने आगे लगाया हुआ था और उसमें फ़ोन फंसा के चलता था। तो भाई इतना अजीब लगता था कि भाई एक बंदा है प्लेटिना पे बैठा है, हेलमेट और फ़ोन लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। और बस जैसे तैसे हमने करा, और मैं इसी फ़ोन में एडिटिंग करता था, जो कि महाभारत थी मेरे लिए इसमें एडिटिंग करना, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी छोटा था और ये फ़ोन था 2016 का, और भैया हम 2018 में इसको यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, तो आप समझ जाओ इस फ़ोन की क्या हालत हुई होगी। तो फिर लद्दाख राइड इतनी सक्सेसफुली मतलब ग्रो करने के बाद, और जब चैनल अपना अच्छे से ग्रो कर गया, मैंने सोचा कि यार अब की बार थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो हमें भी कुछ अपग्रेड लाना चाहिए। तो फिर मैंने Redmi Note 3 से स्विच करा OnePlus 6 से, जो कि मतलब अच्छी बात है मेरे लिए, इसमें अब अच्छी वीडियो बन जाती हैं आप लोगों को पता ही, और एडिटिंग भी अच्छी हो जाती है, तो प्रोसेसर अच्छा है इसलिए फास्ट एडिटिंग होती है, मतलब सब बढ़िया रहता है। और ये सब जर्नी में सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करा भाई मेरे पेरेंट्स ने, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग कहते थे कि यार तुम अपने बच्चे को इतना दूर क्यों भेज रहे हो, 500 किलोमीटर राइड पे, 800 की राइड पे, 1,000 किलोमीटर राइड पे, पागल है, मरवर आ जाएगा कहीं, ये है वो, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन देखो मेरे पेरेंट्स का मुझे भरोसा था कि हाँ बंदा ये कुछ कर सकता है तो इसको जाने दो। और भैया बाइक भी चलानी मेरे को मेरे पापा ने सिखाई थी, तो मेरे आपको भरोसा था हाँ भाई अच्छी बाइक चलाता है तो ये सब ऐसा कर लेगा। और यार मतलब मैं अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से अब क्या शेयर करूँ, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि यार मेरे को इतने सारे लोगों ने सपोर्ट करा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने करा यार। कुछ जो हेटर्स थे उन्होंने भी इनडायरेक्टली मुझे मोटिवेट ही करा है कुछ नया करने के लिए। और अभी भगवान की दया से भाई आज हमारे चैनल पे 27,980 ऐसे कुछ आसपास सब्सक्राइबर है, और शायद ये वीडियो जब तक मैं डालूंगा 28,000 कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि भाई मैंने एक साल में 28,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए, वो भी सिर्फ दो राइड करके, एक थी मेरी राजस्थान राइड, एक थी अपनी लद्दाख राइड। तो इन दो राइड की बदौलत अगर मैंने 28,000 सब्सक्राइबर गेन करे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाँ भाई मेरी मेहनत रंग ला रही है। और आप लोगों का भी यार प्यार है, जो कि आप मेरी वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, उन सब के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मुझे खुद सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या शेयर करूँ और क्या नहीं, बस आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बिल्कुल दिल से, सच में। आज मैं मतलब जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से हूँ, जो मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट दिया, मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट दिया, उन सब के बदौलत भाई आज हम यहाँ हैं। और अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी तो यार देखो हम फ़ोन से वीडियो बनाते हैं और फ़ोन से ही एडिट करते हैं, इन फ्यूचर हम DSLR पे अपग्रेड करेंगे, लैपटॉप लेंगे, और उसके बाद एडिटिंग बहुत आला दर्जे की होने वाली है, आप ज़रूर देखना। और यार ये कि जब मैं फ़ोन में एडिट करता हूँ तो फ़ोन के यार कुछ लिमिटेशंस तो होते ही हैं, आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं OnePlus 6 में अगर मैं एडिट करता हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि OnePlus 6 में भी ऐप क्रैश कर जाती है बहुत बार जब मैं एडिटिंग करता हूँ, मतलब इतनी हैवी एडिटिंग हो जाती है कि बेचारा फ़ोन भी मतलब ध्वस्त हो जाता है कि भाई मेरे से इससे आगे होगा नहीं, और बहुत बार ऐप क्रैश होती है। तो करेंगे लैपटॉप पे अपन अपग्रेड करेंगे, DSLR भी जल्द लेंगे, तो बस ऐसे अपना सपोर्ट देते रहना। प्लेटिना जिंदाबाद, उसी ने आज अपने को यहाँ तक पहुँचाया है, बस इतना कहना था। और एंड में ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो इस एक साल के करियर के अंदर, भाई किसी को गलत कमेंट का रिप्लाई दे दिया हो, कुछ भी रहा हो, तो भाई तहे दिल से सॉरी हम मांगना चाहेंगे। तो बस ये अपना एक साल कंप्लीट हुआ यूट्यूब पे,
बस ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही बेसिक सी नॉर्मल सी वीडियो थी, कुछ मतलब खास नहीं था इसमें, तो बस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छे लगे तो भैया लाइक ठोक देना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद।